हथियार भर्ती 1356 प्लस याची लाभ, हाई कोर्ट ऑर्डर क्या होगा, क्या आ सकता है? 22,000 सीटों का जुड़ना 69 शिक्षक भर्ती में, फिर से एक मुहिम स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी द्वारा पूछा जा रहा था, वो हमने अपनी कमेटी लाइन में पूछा था। तो यहाँ पर 69 भर्ती हाईकोर्ट ऑर्डर में क्या हो सकता है, तो अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, जो भी शिक्षक बनने वाले हैं वो क्या चाहते हैं? तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे हम लोगों ने कि 6800 नियुक्ति, उसके बाद में 6800 प्लस याची लाभ 19,000 सीटें निरस्त। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है वो 6800 प्लस याची लाभ की आई है। यहाँ पर ये गलती से ये एक्स्ट्रा जीरो लग गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो मानना है वो चाहते हैं कि 6800 प्लस याची लाभ यहाँ पर मिल जाए और 6800 नियुक्ति तो लगभग तय है। अगर ऑर्डर इस तरीके का आता है याची लाभ का तो 6800 की नियुक्ति तो लगभग कंफर्म है, क्योंकि इनकी मेरिट्स हाई है। तो इन लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि अब याची लाभ में क्या हो सकता है। और याची लाभ मिलता है तो अभ्यर्थियों को बहुत सारे मौके मिलेंगे। वहीं पर 22,000 सीटों के जुड़ने का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उठा रहे हैं और एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर आ रही, बताते हैं शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जुड़े हैं तो बनेगी बात। मतलब कि अगर 22,000 पद अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो सकता है और लगभग सारे मुद्दे जितने भी हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगे, कोई अभ्यर्थी बचेगा नहीं, जो भी लीगल होगा उनकी नियुक्ति हो जाएगी। अब उसके बाद में कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक छात्रों द्वारा 22,000 पद अभी भी भर्ती में जुड़ने की उम्मीद, 68,500 के हैं रिक्त पद। मतलब कि 68,500 के जो रिक्त पद थे 22,000, उन पदों को अभ्यर्थियों को अभी भी लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं कि 22,000 पद जुड़ जाएं, और अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेंगी। लेकिन बट ऐसा असंभव है, क्योंकि अगर जुड़ने होते तो सरकार ने जब पिछली बार अभ्यर्थियों ने धरना दिया था तभी जोड़ दिए होते, बट ऐसा सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों का जो एक उम्मीद है, जो एक कोशिश है, वो लगातार जारी है। सामान्य वर्ग छात्रों द्वारा अवैध ओवरलैपिंग का आरोप लगाया गया है। OBC ऐसे छात्रों द्वारा पहले ले जाया गया था मुद्दा कोर्ट में। सरकार मान चुकी है कि 6800 पदों पर तकनीकी अनियमितता हुई है। मतलब कि सरकार ने खुद मान लिया है कि हाँ 6800 पदों का जो घोटाला हुआ है। अब इसके बाद में OBC को जो मुद्दा लेके गए थे MRC को लेकर और कट ऑफ को लेकर, तो उसका ऑर्डर 13 तारीख को आने वाला है। अब इधर बीच सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा अवैध ओवरलैपिंग का आरोप लगा के और ये कोर्ट केस चल रहा है, अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा? जो जनरल वाले अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं कि इसमें स्टे भी लग सकती है या ये हो सकता है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, वो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ऐसा अब इस पर सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो मुश्किल ही अगर आगे फॉरवर्ड होगा, वैसे फॉरवर्ड यहाँ तक नहीं होगा। अब प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, वो है कि होली के अवसर पर बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित युवा की बड़ी संख्या भारद्वाज पार्क में इकट्ठा, जहां उन्होंने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। उसके बाद सभी छात्रों द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षित आदेश पर चर्चा की। छात्रों ने बताया कि हाई कोर्ट बहुप्रतीक्षित आदेश 13 मार्च को आ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें न्याय जरूर देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जहां एक तरफ प्रदेश नई ऊंचाई छू रहा है, वहीं सरकार के पिछले सत्र में कुछ मंत्री अधिकारी ऐसे थे जो सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे थे। छात्रों ने कहा कि 2019 में हुई 69,000 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इसी जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जहां एक तरफ त्वरित कार्रवाई कर भर्ती को पूरा किया, वहीं कुछ अधिकारियों की अनपेक्षित गलतियों के चलते हजारों OBC SC छात्रों की सवर सीटों पर गलत ओवरलैपिंग कर नियुक्ति दे दी गई, जिसके चलते आज वे नियुक्ति नहीं पा पाए और ऊपर से चुनाव के दबाव के चलते सरकार अवैध नियुक्तियों को बाहर भी नहीं कर पा रही। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि अभ्यर्थी कुछ, जबकि कोर्ट भी कह चुका है कि 6800 अभ्यर्थी जो अवैध लगे उनको बाहर करो, या फिर 6800 जो वैध कैंडिडेट हैं OBC SC को उनको ज्वाइनिंग दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं देखी गई है।
800 को नियुक्ति देने जा रही थी, जिस कारण उन्हें हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े और एक लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट द्वारा अंतिम आदेश सुरक्षित। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने कहा कि सरकार चाहे तो विवाद बहुत ही आसानी से खत्म कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास 68,500 के बचे रिक्त पदों, करीब 22,000 से अधिक और 69 भर्ती में नए विज्ञापन के तहत जोड़ सकती है, जिससे सबसे पहले अवैध ओवरलैपिंग के जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं, मतलब कि अभ्यर्थियों का अब भी मानना है कि अगर सरकार चाहे तो 22,000 पदों को जोड़कर ये सारे मुद्दे ख़त्म कर सकती है, लेकिन पता नहीं सरकार अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। लगातार अभ्यर्थी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले अवैध ओवरलैपिंग के पदों को सामान्य वर्ग छात्रों को देकर उसके बाद शेष पदों पर संवैधानिक नियम के तहत भर्ती की जाए, ताकि सभी वर्गों को बराबर लाभ मिले और किसी का अहित ना हो। अन्यथा की स्थिति में हाईकोर्ट सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को याची लाभ दे, अन्यथा की स्थिति में ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार कुछ करे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जिससे सरकार से छात्रों तक किसी का कोई लाभ नहीं होगा, तो अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो अभ्यर्थियों के लिए तो निराशाजनक रहेगा ही, क्योंकि अभ्यर्थियों को जो न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और सरकार का भी कोई लाभ नहीं बता रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि चुनाव आने वाला है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ विशेष सरकार करेगी जिससे कि उनका भी भला हो पाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, अगर याची लाभ आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बात यहाँ पर ये डिस्कशन से निकल कर आ रही है कि जो अभ्यर्थी हैं 6800 और याची लाभ को मान रहे हैं, तो मैं स्पष्ट बता देता हूँ, अगर ऐसा होता है याची लाभ और 6800 की नियुक्ति कंटिन्यू रहती है तो ये भर्ती प्रोसेस जो है जल्द ही आपको 1 मंथ के अंदर में दिखाई देने को मिल सकती है, जहाँ पर कि उत्तर कुंजी प्रकरण जो चल रहा है मुद्दा, उस मुद्दे के आधार को लेकर भी दोनों की एक साइड काउंसलिंग करा के सरकार यहाँ पर नौ ज्वाइनिंग करा सकती है। अगर अन्यथा की स्थिति में ये नहीं हो पाता या 6800 खाली लिस्ट आती है, तो कहीं ना कहीं जो 13156 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है 6800 को खाली नियुक्ति दी जाती है तो हम नेक्स्ट डबल बेंच में जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, फिर किसी को नौकरी नहीं दिला नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी निकल कर आ रही हैं, ये जल्द ही आप लोगों को ये सब चीज़ें मुद्दा समझने पड़ेगा। अब कोर्ट के बीच का रास्ता निकालता है तो ये बहुप्रतीक्षित जो मुद्दा है जल्द ही समाप्त होने वाला है, और जैसे ही ऑर्डर 13 तारीख को ये मुद्दे का ब्राम लग जाएगा, आप देखना है कि इसके बाद में क्या प्रोसेस होती है, सरकार इसको फॉलो करती है कि नहीं करती है, क्या सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है। जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।